पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। आरक्षण की एक चिंगारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोमवार शाम जब भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई तो हसीना हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग गई। प्रदर्शनकारियों को पीएम के इस्तीफे का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जबकि बांग्लादेश सेना ने सुनिश्चित किया है कि एक अंतरिम सरकार जल्द ही कार्यभार संभालेगी। नमस्कार, मैं शेख दोया, आप देख रहे हैं दनगुन न्यूज। बांग्लादेश में तख्ता पलट की शुरुआत पिछले महीने के विरोध प्रदर्शन के साथ ही शुरू हो गई थी, जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और सत्तारूढ़ शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। सेना पूरे देश में तैनात हो गई, तो वहीं अब बांग्लादेश की कहानी हर गुजरते घंटे के साथ बदल रही है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ने के बाद सीधे भारत की तरफ उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। साथ में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पीएम सिन्हा भी मौजूद रहे। शेख हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात हैं। तो वहीं शेख हसीना के भारत में रहने पर जानकारों का मानना है कि शरण में आने वाले की जान बचाना भारत की नीतियों में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शेख हसीना लंबे वक्त तक यहां रुकेंगी। हो सकता है कि उनके हवाई जहाज में ईंधन भरकर उन्हें किसी न्यूट्रल देश भेज दिया जाए। उनके लंदन जाने की भी सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।